मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त, रोहिणी से अभिषेक जुड़े हुए हैं मेरे साथ और हर्षा एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर से जुड़ी हुई हैं। हर्षा, आपके पास कोई बड़ी खबर है इस वक्त की? मरीज को हम लेकर के आए हैं, हम पड़ोस जी बिल्कुल। देखिए सबकी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीयू की स्टडी में बड़ा दावा किया गया है कोविड के अलग कार्य को खत्म करने में सक्षम है कोवैक्सीन। कोरोना स्ट्रेन के डबल म्यूटेंट को भी मार देगी कोवैक्सीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर तो तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर है और स्थिति बेहद भयावह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग में कितनी गाड़ियां हैं और सबको वापस लौटाया जा रहा है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे गाड़ी वाले हो, जो भी पेशेंट है मरीज हो, उसको ऐसे वापस लौटाया जा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे बेड नहीं है और मरीजों को उनके हाल में ही छोड़ दिया है। गेट के ऊपर भी मरीज बैठे हुए हैं, रीमा देवी की तरफ से लेकर के हम आए हैं यहाँ किंग्स वे कैंप राजन बाबू हॉस्पिटल से एलएनजेपीएच में। हाँ। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ कोई बेड ही नहीं खाली है, तो मरीज को क्या करे सर जी, ये रोड के ऊपर बैठा दे? बीमार आदमी है, टीबी का इलाज चल रहा है, ये 3 नंबर गेट के ऊपर है। आइए सर जरा। हाँ जी, आपको क्या परेशानी आ रही है? हमें यहाँ परेशानी है, मेरा दोस्त अंदर गया हुआ है, मैं सुबह 10 बजे से आया हूँ और वो बता रहे थे आपकी पेशेंट से बात कराएंगे, तो अभी तक कोई बात नहीं हुई, तो 4 बजने वाले हैं, तो अभी देखो कितना समय और लगता है। और आप 10 बजे सुबह यहीं पर वेट? यहीं पर हूँ, सुबह 10 बजे का यहीं हूँ, कोई हेल्प नहीं हो रहा। बहुत लोग यहाँ से गए हैं वापस एम्बुलेंस में बैठ के। अच्छा? बहुत लोगों को दिक्कत है यहाँ। कई लोग वापस भेज दिया गया? बहुत लोग वापस गए हैं, बहुत लोग गए हैं। मैम आप लोग को भी कोई परेशानी आ रही है अस्पताल में? नहीं अभी तो कोई परेशानी नहीं आई है। आप लोग कोई पेशेंट इधर एडमिट बात हो गई है? हाँ बात हो गई, वीडियो कॉलिंग पे बात करा दी है उन्होंने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। चलिए कुछ मरीज तो है जिनके, कुछ परिजन है जिनके मरीज अंदर बेहतर है, लेकिन अंदर बाहर की स्थिति आप देख लीजिए। आपको लाइन से गाड़ियां नजर आएंगी, ऑटो नजर आएंगे, हर कोई गार्ड से बात करके कहना चाह रहा है कि हमें कहीं और से रेफर किया गया है, अंदर जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि बेड नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सामने मुकेश, अब गार्ड जो यहाँ पे गार्ड खड़े हैं वहाँ की तस्वीर दिखाइए, जहाँ पे गार्ड खड़े हैं वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड्स यहाँ पे किसी से सही से बात नहीं करते, ना कोई अपडेट देते हैं, किसी का पर्ची होती है तो भी उसको जाने नहीं दिया जाता है। आपको क्या परेशानी आ रही है? मैंने कोविड है भाई, यहाँ पर कोई एडमिट ही नहीं है, ऑटो में ला रखा है, ऑटो में ला रखा है भाई को, कोविड हो रखा है, यहाँ पर यहाँ बेड ही नहीं मिल रहे। तो कहीं से रेफर किया गया है? क्या पर्चा है, पर्ची है? हाँ जी है। अच्छा बोला क्या था एलएनजेपी लाने के लिए? आपने कहीं बात की थी, कहीं रेफर किया है कहीं से? मैडम बात तो करी थी, वो जहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं कहीं बेड नहीं है, पैनल कार्ड है, पैनल कार्ड भी नहीं ले रहे, ये तो इसके चक्कर है बंद कर रखा है कि हमारे साथ बने रही हमारे साथ। देखिए अब सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले अभिषेक का रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त अभिषेक के पास एक बड़ी खबर है। अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय किए, राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 में देंगे, प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज 600 में देंगे कोरोना वैक्सीन के सीरम इंस्टीट्यूट का बयान। अगले 2 महीने 50% वैक्सीन भारत सरकार को देंगे, 50% वैक्सीन राज्यों को, 50 अस्पतालों को देंगे। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है सीरम से जुड़ी हुई, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय कर दिए हैं, राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 रुपये में मिलेगा एक जो डोज है, और प्राइवेट अस्पतालों को वही एक डोज 600 रुपये में मिलेगा। कोरोना वैक्सीन नेशन पर सीरम इंस्टीट्यूट का ये बयान आया है, अगले 2 महीने में 50% वैक्सीन भारत सरकार को देंगे, 50% वैक्सीन राज्यों को, 50 अस्पतालों को देंगे। यानी कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन को लेकर भी अपना अब बयान तय कर दिया है, 400 और 600 रुपए तय कर। बिल्कुल अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास, आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है। बताएं आपको दिल्ली से ये बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक भी कोरोना पॉजिटिव हुए, रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में आए लोग भी अपना टेस्ट करा लें। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने जब लक्षण पाए जाने पर टेस्ट कराया तो वो भी कोविड पॉजिटिव निकले। और चलिए सुमित का हम रुख कर लेते हैं, सुमित इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुमित अब लगातार दिल्ली की जो स्थिति है वो सुधरती चली जा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई की बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही थी, अब चंद घंटे की बची है, लेकिन अलग अलग अस्पतालों में अब ऑक्सीजन सप्लाई भी फिलहाल नियमित रूप से चल रही है। आप अभी जहां खड़े हैं वहां हॉस्पिटल का क्या हाल? देखिए शालिनी इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले
दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मैं मौजूद था, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो फिलहाल खस्ता हाल है अस्पताल की स्थिति, क्योंकि ऑक्सीजन तो सप्लाई कर दी गई है लेकिन वहाँ मिसमैनेजमेंट इस कदर है कि लोगों को एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। देखिए, पहली मौत जो है मेरे सामने अस्पताल के बाहर एक शख्स की हुई थी, उसके बाद दोपहर में दूसरी मौत हुई है अस्पताल कैंपस में। बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव वो शख्स आया था लेकिन एडमिट अस्पताल प्रशासन ने नहीं किया, जिसके चलते इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। तो फिलहाल अमूमन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की जो हालात हैं वो काफ़ी दयनीय हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मरीजों के आने का सिलसिला आरएमएल अस्पताल में जारी है। यहाँ भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन बेड्स की काफ़ी संख्या में अभी भी कमी है, मिसमैनेजमेंट है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो तमाम अस्पताल आते हैं, वो चाहे LNJP हो या फिर DDU हो यानी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो, ऐसे तमाम अस्पतालों में अभी भी नए मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा, जिसके चलते तमाम जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। तो ये फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर तो राहत भरी खबर है, लेकिन बेड्स की कमी के चलते जो है लोग अब दम तोड़ रहे हैं। तो ये फिलहाल स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है दिल्ली के तमाम अस्पतालों को लेकर। और सबसे अहम बात है शालिनी की, देखिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है दिल्ली के तमाम अस्पतालों में कर दी गई है, लेकिन वो कब तक चल पाएगी ये फिलहाल कोई अस्पताल प्रशासन इस वक्त नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जब DDU अस्पताल में मैं आज सुबह मौजूद था तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सुबह में एक टैंकर आया है लेकिन वो कब तक चलेगा ये हम नहीं कुछ कह सकते। तो ऐसी स्थिति तमाम अस्पतालों की बनी हुई है और लगातार मौतों का जो आंकड़ा है दिल्ली में वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में संकट की इस घड़ी में लोगों से तमाम तरह की अपील डॉक्टर ये कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो आप अस्पताल का रुख ना करें, घर पे ही जो है नॉर्मल इलाज जो है वो आप खुद कर सकते हैं डॉक्टर की देख रेख में। बिल्कुल सुमित, तो हर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, देखिए अभी हमने ये खबर बताई कि निशंक पोखरियाल को भी कोरोना हो चुका है, यानी कि जो कोई भी आम या खास हर किसी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, डॉक्टर्स में कंडीशन फिलहाल कैसी है, पेशेंट्स का क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए कंडीशन बेहद खराब है, बदहाल स्थिति। आप LNJP के अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए ना, यहाँ पे गार्ड्स तैनात है, बाउंसर्स लगा दिए अस्पतालों ने, यहाँ पे कोई अंदर अलाउड नहीं है। देखिए गाड़ी आप देख सकते हैं अस्पताल के बाहर खड़ी है, यहाँ पे मरीज किस तरह से गाड़ी में बैठे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ करके अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। कई एम्बुलेंस यहाँ पे आप पीछे आपको दिखाऊंगी, कई एम्बुलेंस खड़ी है जहाँ पे मरीज अंदर एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब है कि किसी को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है बेड्स अवेलेबल नहीं है, बेड सारे फुल हो गए हैं। ये तस्वीर दिल्ली के LNJP अस्पताल की सारी सिचुएशन क्या है यहाँ पे? सिचुएशन तो मैम बहुत ख़राब है, जो सीरियसली पहले से सिक मॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट है उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मेरे फादर का डायलिसिस होता है, हॉस्पिटल वालों ने डायलिसिस करने से मना कर दिया, पिछले एक हफ्ते डायलिसिस नहीं हुआ था उनका, और उनकी कंडीशन डायलिसिस की वजह से सीरियस हो गई और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो देखिए ये स्थिति है, और आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको लगातार LNJP अस्पताल के बाहर से दिखा रही हूँ, और इनसे बात करते हैं। मैम आपके साथ क्या परेशानी आ रही है? मैडम परेशानी ये है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, गार्ड लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। ये हॉस्पिटल बनाया क्यों है ये बताओ, हम गरीबों के लिए बनाया कि अमीरों के लिए बनाया हॉस्पिटल? हमारी बच्चे की पोजीशन देखो क्या हो रही है, और गार्ड लोग बोलेंगे अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, बताओ हमारी शक्ल देखो, आज कितने दिन हो गए हमें घूमते घूमते। सागरपुर से 2 गाड़ी करके आए और आप बोलेंगे हम अंदर नहीं जाने, कोई बेड खाली नहीं है, ये बात है मैडम। हम तो बोले नहीं जा रहा, 4 दिन से आए, हम 4 दिन से भूखे प्यासे हैं, न बैठने की जगह न रहने की जगह। किसी और अस्पताल में आपने ट्राई किया, GTP में, राजीव गांधी में, कहीं और गई आप बेड के लिए? नहीं मैडम, और कहीं नहीं गया, हम वहीं गए थे, 2 हॉस्पिटल में गए और 2 प्राइवेट में गए थे। सरकारी वालों ने तो पहले मना कर दिया था, हम प्राइवेट में चले गए, हमने कहा कार चल जाएगा उसकी जिंदगी बच जाएगी कुछ, लेकिन अब अंदर कोई घुसने भी नहीं दे रहा है कुछ।
नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं घुसने दे रहे, घुसने नहीं दे रहे अंदर। बच्चे की जान हाथ पे ले रखे, तब भी बोले कि नहीं, अगर इनके बच्चे होते तो ये नहीं करते कुछ। हर्षा, ये सिस्कियां बता रही हैं कि सरकारी दावे एक तरफ हैं और दिल्ली की जो स्थिति है, मरीजों के जो हालात हैं, वो दूसरी तरफ हैं। देखिए, कोरोना हर रोज कहर बरपा रहा है, खास करके दिल्ली में। नए मामलों के साथ ही मौत का आंकड़ा अब बढ़ता चला जा रहा है। आलम तो ये हो गया कि शमशान घाट पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं निगम बोध घाट पर खड़ा हूँ और यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, बहुत गमगीन माहौल है। यहाँ पर तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो परिजन जिनकी मौत हुई है कोविड से, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए और पीपीई किट लेकर यहाँ पर अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। आपको अंदर का नजारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे अभी भी आपको पांच पांच छह छह जो बॉडी है वो जलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे बुक हैं, सारे प्लेटफॉर्म पर लकड़ियां रखी हुई हैं, वेटिंग में लोग हैं, कार्यालय पर लोग खड़े होकर अपनी लकड़ियां खरीद रहे हैं, टोकन ले रहे हैं, वेटिंग में है। और लगातार जो कोविड से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है पूरे देश में। दिल्ली की स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मैं इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ निगम बोध घाट की स्थिति दिखा रहा हूँ। तमाम जो यहाँ पर परिजन है वो देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये कोविड सेक्शन है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो कोविड सेक्शन है, और देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो परिजन है जिनको अंतिम संस्कार करना है वो भी पीपीई किट लेकर, साजो सामान लेकर यहाँ पर खड़े हैं। ये स्थिति इस वक्त दिखा रही है कि दिल्ली की स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है, कितनी ज्यादा गमगीन है। डॉक्टर्स है नहीं, नर्स है नहीं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। लापरवाही इतनी ज्यादा बरती जा रही है कि तमाम जो यहाँ पर परिजन है जिनके अपने लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ पर करने के लिए लोग लेकर आए हैं, वो भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिए, अब आपको बाहर से ही दिखा देते हैं, अंदर हम थोड़ा सा जाने से बच रहे हैं। अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा यहाँ दिखा दें कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर एक लाश जलती है, आप देखिए यहाँ पर छह से सात सात लाशें जलाई जा रही हैं। थोड़ा मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को इधर आ जाएं, इधर से भी नजारा जरा दिखा दें कि क्या स्थिति है। देखिए हर प्लेटफॉर्म पर लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये यहाँ दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, ये देखिए, ये स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। इस वक्त पीपी किट पहन के लोग यहाँ पर अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ियां लगा रहे हैं। और देखिए मैक्सिमम लोग आपको पीपी किट में नजर आएंगे, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर भरे हुए हैं। और ये इसको अलग किया गया है, कोविड सेक्शन है, इसको अलग किया गया ताकि जो नॉर्मल नॉन कोविड लोग हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा गमगीन है, लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस देखिए पहुंच रही है, यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी कि ये जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में तो जगह है ही नहीं, लेकिन आप शमशानों में भी जगह नहीं बची हुई है। ये मात्र एक निगम बोध घाट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली के निगम बोध घाट से कैमरामैन ऋषि के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। तो मेरे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी, और चलिए सुमित का इस वक्त रुक कर लेते हैं। सुमित के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना से एक और मौत हुई है। दरअसल सुबह में एक और मौत हुई थी, उसके बाद दोपहर बाद दूसरी मौत हुई है। और देखिए लगातार दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, क्योंकि सुबह में एक मरीज को एडमिट तक नहीं किया गया और ऑक्सीजन ना मिलने के चलते उसकी जान चली गई, और दोपहर बाद एक मरीज की फिर मौत जान चली गई है, क्योंकि उसके बेटे का आरोप ये था कि तीन से चार दिन पहले उसके पिता कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और तब से बेड की जो है वो मांग जो है वो की जा रही थी। ये हालात हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के। और यहाँ आप देखिए जो जिनकी मौत हुई, इनके परिजन क्या कह रहे हैं, अब केजरीवाल सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, लगातार विलाप कर रहा है जो परिवार वाले हैं, लगातार विलाप कर रहे हैं। साड़ी बांध उड़ती भाई साहब, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, मेरा त्योहार चला गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरी बांध उड़ गई, चार भरा सी एक भरा चला गया साडा, उनका बच्चा भी कोई नहीं, दोनों मियां बीवी चेक क्या करेगी, मेरी दरानी क्या करेगी, गली बोलो अंदर बैठे बाहर काट देता, कहते बाहर बैठे बाहर गेट में अंदर दी
सर ये पेशेंट के वो है मतलब क्लोज है, इन्होंने बोला कि हमें अंदर जाने दो, अंदर नहीं जाने दे रहे। आपने बाउंसर पाल के किस लिए रखे हुए हैं? इलाज कराओ ना, इलाज और दवा की जरूरत है, बाउंसर की क्या जरूरत है? इतने बड़े जो बाउंसर आपने खड़े कर रखे किस लिए? अंदर जिम चल रही है क्या? इतने बड़े बाउंसर है क्या बॉडी का? जब यहाँ आप पहुँचे तो बाउंसर ने क्या कहा? बाउंसर ने कहा अंदर से स्नीचर ले आओ, हमें कह रहे हैं स्नीचर ले आओ, तो हम लेके आ रहे हैं ना, हमें कह रहे हैं कि बेड कोई खाली नहीं है अंदर, हमें अंदर से हमें 3 बजे से खड़ा हूँ, 25 मौतें दे चुका हूँ मैं कल रात से, 25 मौतें मेरे सामने हो चुकी हैं और कल रात 3 बजे से खड़ा हूँ, मेरा नंबर आया सुबह 7 बजे। सर हमें 102 फोन नंबर मिलाया, नहीं मिला रहे, कोई उठा ही नहीं रहा 102 पे। और ये देखिए डिस्प्ले बोर्ड पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए लगातार डिस्प्ले बोर्ड जो अस्पताल का है उसमें देखिए टोटल बेड्स की जो संख्या है वो 300 दिखाई जा रही है और जो टोटल फुल है वो 290 है और वैकेंट जो है बेड्स वो 10 बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मरीज था उसे एडमिट नहीं किया गया और अस्पताल के बाहर ही उसने दम तोड़ दिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी सुमित की, जो लगाए गए हैं अस्पतालों के बाहर बोर्ड, वहां स्थिति कुछ और है, डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और कह रही है, तीमारदार और मरीजों का क्या कहना है वो लगातार मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें आप तक जी हिंदुस्तान पहुंचाता रहेगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।